स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन और हमारे नगर निगम कर्मचारी संघ आनंद वर्मा जी, ये साल भर से हम लोग जब से नई सरकार गठित हुई है तब से ये बराबर मांग करते चले आ रहे थे कि पूर्व सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को निष्कासित किया गया गलत ढंग से उनको वापस ले लें। सरकार से साल भर अनुनय विनय करने के पश्चात अभी तक हमारी सब बातों का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसको लेकर हमने एक प्रदेश की रैली 9 मार्च 2018 को यही नगर निगम मुख्यालय के सामने करके अपना एक ज्ञापन शासन को सौंपा था मुख्यमंत्री जी को कि हमारी मांगों का संज्ञान लेते हुए समस्याओं निकाय कर्मियों की समस्याओं का निदान करें। लेकिन निकाय कर्मचारियों की समस्याओं का निदान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जब नहीं किया गया तो विवश होकर हमारे कर्मचारियों को ये निर्णय हमको करना पड़ा कि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएं। हम अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पूरे प्रांत में हमारी बातचीत चल रही है, प्रदेश के साथियों की राय है कि हम लोग आगामी आंदोलन कार्यबंदी की घोषणा कर सकते हैं। अभी इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम कार्यकारिणी की बैठक तत्काल बुला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी कल यहाँ थे, उपस्थित थे, संरक्षक भी उपस्थित थे, हमारे उप महामंत्री जी उपस्थित थे, और आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी बातों का संज्ञान नहीं लेती, हमारी मांगों के संबंध में नहीं सुनती, जैसा कि हमारे यहाँ नगर निकाय वर्तमान में आर्थिक स्थितियों से जूझ रही है, हमारे किशन चंद्र उपाध्याय जी अभी आपको माइक पर संबोधित जब कर रहे थे तो उन्होंने जो बताया कि पेंशन आदि और वेतन आदि की वेतन नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल अगर कदम हमारा यही होगा कि सरकार अगर हमारा संज्ञान नहीं लेगी तो निकाय का कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। भैया कर्मचारी एकता जिंदाबाद।